Dear students, the topic which we are going to discuss is management of safety and health with relevance to psychological trauma of emergencies. According to this particular point, we have to deal with whenever any uncertain situation arises in any organization, it may lead towards your mind stress, it is known as mental stress or it may be a physical stress. When these two types of stress may be occurred, then how you have to deal with that situation. You have to deal with these situations typically while moving toward SOPs of the organizations. If you will follow the SOPs and you have been trained for these two situations, then you can tackle this particular situation. Here we have to deal with the trauma response team. Trauma response team comprises upon those professionals which are trained in this particular situation. Abhib team had here students. जो इस किस्म की सिचुएशन से आपको एमिकेबली बाहर निकाल सकती है अब इस टीम के अंदर स्पेशलिस्ट शामिल हैं वर्कर शामिल हैं इम्प्लाइज शामिल हैं मैनेजर शामिल हैं और ट्रामा रिस्पॉन्स टीम के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो शामिल हैं ये वो लोग स्पेसिफ़िकली ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं जो इस सिचुएशन को एमिकेबली टैकल करने की सलाहियत रखते हैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रामा रिस्पॉन्स टीम नहीं है तो वहाँ पर ये सिचुएशन पैदा हो सकती है और केबली आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते रिकवरिंग फ्राम डिजास्टर इन केस ऑफ एनी डिज़ास्टर हाउ यू विल रिकवर दैट सिचुएशन कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिजास्टर रिकवरी अपने इम्प्लॉई को एंगेज रखें इंप्लाई को गाइड करें इम्प्लॉ को एजुकेट करें इम्प्लॉय को ट्रेन करें और उसे बताएं कि इफ एनी सिचुएशन विल अराइज हाउ यू हैव टैकल दैट सिचुएशन और उस सिचुएशन से आपने निकलना कैसे है अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कस्टमर वेंडर एंड सप्लायर आपके जो कस्टमर हैं द पर्सन हु विल बाय द प्रोडक्ट इज नोन एज कस्टमर वेंडर वेंडर इज द पर्सन हु विल सेल द प्रोडक्ट सप्लायर आर दोज पीपल हु आर स्टेक होल्डर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम दे सप्लाई द कमोडिटी टू द दर्गनाइजेशन इंश्योरेंस रिप्रजेंटेटिव इम्प्लाइज फैमिलीज अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज ये वो सारे लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर हैं इन लोगों को आपने एंगेज रखना है इन सब लोगों को उनके लेवल के मुताबिक ट्रेन करना है और उनकी ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को गाइड करना है कि अगर अनसर्टेन सिचुएशन या डिजास्टर पैदा हो जाता है उसको कैसे आपने टैकल करना है टेर्रिज़म इन वर्क प्लेस टेर्रिज्म किसी भी जगह पे एग्जिस्ट हो सकता है अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वर्क प्लेस पर कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं अगर वहाँ पे कोई इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो जाए उसकी काजेज क्या है और उसको टैकल कैसे करना है रन अ सेफ एंड केयरिंग ऑपरेशन लिसन टू एम्प्लॉज ट्रेन एम्प्लाइज नो योर पर्सोनल एम्पावर फॉर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्पावर योर पर अपने एम्प्लॉय को एम्पावर करें कि वो इन अनसर्टेन सिचुएशन को कैसे टैकल करेगा फॉर एग्जाम्पल अगर किसी किस्म की फायर ऑर्गेनाइजेशन में लग जाती है तो उस वक्त उसको टैकल करने के लिए जो भी आपने उसके प्रिकॉशन मेजरमेंट लिए हुए हैं उसको ऑपरेट करने वाला जो शख्स है उसको मालूम हो कि आई एम अथोरइज इन दिस सिचुएशन इसको हम कहते हैं एम्पावर योर पर्सोनल्स और लास्ट में हैव एंड एनफोर्स पार्किंग एंड डिलीवरी रेगुलेशन ये वो रेगुलेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लियरली नोन हों और इसके अलावा जो पॉलिसीज हैं वो विजिबल क्लियरली रिटर्न हों वेल शेयर्ड हों वेल कम्युनिकेटेड हों वेल ट्रांसफार्म हों जब इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो काफ़ी हद हाँ तक आप टेररिजम इन वर्क प्लेस से बच सकते हैं मेक श्योर द विजिटर कैन बी स्क्रीन फ्रॉम आर डिस्टेंस अपने जो विजिटर हैं द पर्सन हु विल विजिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही इज नॉट द एम्प्लाई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज विजिटर उनको प्रॉपर विजिटर कार्ड पहना के अंदर एंटर करें ताकि जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन में मूव करें तो सब लोगों को मालूम हो कि ये विजिटर कौन है आइडियल तो ये है कि विजिटर का गेट के ऊपर एंट्री हो जहाँ पे उसका सी एन आई सी नंबर लिखा जाए नेम लिखा जाए डेजिग्नेशन लिखा जाए वो कहाँ से आया है क्यों आया है परपज़ ऑफ विजिट क्या है ताकि आपको मालूम हो सके कि इन केस ऑफ एनी डिजास्टर कौन कौन से लोग इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद थे रिक्वायर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ विजिटर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हैव एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान एंड प्रैक्टिस इट पिकली अगर कोई अनसर्टन सिचुएशन पैदा हो जाती है तो उस वक्त डेफिनेटली आप उसको टैगल करेंगे मैनेज करेंगे लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस भी करानी है एम्प्लॉइज को आफ्टर थ्री मंथ सिक्स मंथ नाइन मंथ इंप्लाइज को मालूम हो कि अगर कोई अनसर्टेशन पैदा हो जाए तो कैसे टैकल करना है इसकी बाकायदा आर्गनाइजेशन में प्रैक्टिस होनी चाहिए बी काशियस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्लेसड ऑन योर कंपनी वेबसाइट इस किस्म के इफॉर्मेशन को सीक्रेट ना रखें बल्कि इस किस्म की इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर अवेलेबल हो ताकि इम्प्लाई तमाम के नॉलेज में हो अनसर्टुएशन में वट विल बी द रिएक्शन बाई द इंप्लाइज ऑफ द आर्गेनाइजेशन कीप अप टू डेट विद लेटेस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज जो भी दुनिया के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस हैं उनको फॉलो कर दें प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ योर फैसिलिटीज़ की सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन सब फैसिलिटीज़ की प्रैक्टिस करें दें ऐसा ना हो कि अनसर्टन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप पास फैसिलिटीज़ हों लेकिन इंप्लाइज़ वेल ट्रेनड वेल इक्व ना हों इसलिए बेटर हैं कि उन तमाम फैसिलिटीज़ को यूज़ पहले भी किया जाए प्लॉडिकली भी यूज़ किया जाए और अनसर्टन सिचुएशन पैदा होने के बाद स्पेसिफिकली यूज़ किया जाए